हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक अपडेट निकल कर आ रहा है पाकिस्तान की साइट से। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और पाकिस्तान की नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंस कमीशन के बीच में, जिसके अंतर्गत जॉइंट प्रोडक्शन करना है अनका अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का। तो ये जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के अनका यूएवीज हैं, ये मेल यूएवीज हैं, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज के मेनली टैक्टिकल सर्वेलेंस और रिकॉग्निशंस मिशन को परफॉर्म करते हैं। बाकी ये मॉड्यूलर हैं, तो इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार वगैरह को भी लगाया जा सकता है। साथ में ये लाइट वेपन भी कैरी कर सकते हैं लाइट स्ट्राइक के लिए। तो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छे ड्रोन्स हैं जो कि 2013 से ही सर्विस में हैं। इसके बारे में हम और बात करेंगे, उससे पहले स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं। तो ये यूएवी 350 किलोग्राम का जो पेलोड है उसको कैरी करने में सक्षम है। साथ में इसका जो एक इंजन है वो 170 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करता है। 4 सिलेंडर लिक्विड कोल्ड इंजन है और जो प्रोपेलर है वो 3 ब्लेड का प्रोपेलर है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 217 किलोमीटर पर आर की है। क्रूज ये 204 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे कर सकता है। रेंज इसकी 1448 किलोमीटर की बताई जाती है, पर लाइन ऑफ साइट से जो इसकी रेंज निकल कर सामने आती है वो 200 किलोमीटर की आती है। बाकी इसकी जो एंड्योरेंस है वो 30 आर्स की बताई जाती है 350 किलोग्राम्स के साथ, और इसकी जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो 30,000 फीट की है। कंपैरिजन के लिए आप इसे MQ-1 प्रेडेटर की कैटेगरी में रख सकते हैं, पर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो उससे थोड़ी सुपीरियर है। इसका जो मेन सेंसर है वो SLSN का SLFLIR-300T इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रिकॉग्निशंस सर्विलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम है, जिसमें CCD कैमरा IR कैमरा इंक्लूडेड है। और ये सेम सेंसर है जो कि टर्की के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर में लगा हुआ है। बाकी एक्स्ट्रा सेंसर के तौर पर इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार भी लगाया जा सकता है, जिसमें ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन और ISR पेलोड शामिल है। बाकी वेपन्स की बात करें तो ये डिफरेंट लेजर गाइडेड म्यूनेशंस को फायर करने में सक्षम है, जिसमें टर्की के MAM स्मार्ट माइक्रो म्यूनेशंस शामिल है। इसमें 3 डिफरेंट वेरियंट्स भी हैं, MAM-C, MAM-L और MAM-T। जो MAM-C है उसका वजन मात्र 6.5 किलोग्राम्स का है और मैक्सिमम रेंज 8 किलोमीटर यानी कि 8 किलोमीटर की है। जो MAM-L है उसका जो वेट है वो 22 किलोग्राम्स का है और मैक्सिमम रेंज उसकी 14 किलोमीटर के आसपास की है। बाकी MAM-T जो है वो 94 किलोग्राम का है और उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 30 किलोमीटर के आसपास की है। बाकी इससे लेज़र गाइडेड रॉकेट्स और मिसाइल भी फायर करी जा सकती है। तो इसके डिफरेंट वेरियंट्स हैं। शुरुआत में बनाया गया था अनका ए, इसे ब्लॉक ए वेरियंट भी कहा जाता था, ये शुरुआत के मॉडल थे। उसके बाद आया अनका बी जो कि 2015 में उड़ा था और वो जो है SLSN के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर के साथ और SLSN के ही सिंथेटिक अपर्चर रडार ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर पेलोड के साथ फ्लाई किया था। तो उसको मैक्सिमम एंड्योरेंस रेंज और सर्विस सीलिंग के लिए टेस्ट किया गया था, जिसमें इसने 30,000 फीट्स की जो ऊंचाई है वो अचीव करी थी। साथ में जो मैक्सिमम एंड्योरेंस है 26 आर्ट्स का अचीव किया था और जो रेडियस है वो मैक्सिमम 200 किलोमीटर का अचीव किया था। बाकी जो मेन प्रोडक्शन मॉडल है उसका नाम अनका एस है, जिसमें सैटकॉम एंटीना लगा हुआ है, तो इसकी जो रेंज है वो लिमिटेड नहीं है लाइन ऑफ साइट से। साथ में ये जो अनका एस है वो वेपन फायरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसको 2018 में टेस्ट किया गया था। पहली बार सैटकॉम को यूज़ करते हुए लाइव पेलोड को गिराया गया था और टारगेट को डिस्ट्रॉय किया गया था। तो ये जो अनका एस है ये 24 घंटे से ज़्यादा का एंड्योरेंस देता है और लाइन ऑफ साइट के आगे भी ऑपरेट किया जा सकता है। बाकी एक वेरियंट है जिसका नाम अनका आई है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस UAV है, जो कि कैपेबल है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस में। बाकी फ्यूचर में अनका 2 भी आना है, जो कि ट्विन इंजन वेरिएंट होगा अनका एस का और जिसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, और ये अभी डेवलपमेंट फेज में चल रहा है। तो चाइनीज़ UAVs के कंपैरिजन में, जो कि पाकिस्तान द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, टर्किश UAVs ज़्यादा बेटर हैं। और ये जो अनका UAVs हैं ये काफ़ी डिसेंट UAVs हैं, और क्योंकि इनका जॉइंट प्रोडक्शन करना है पाकिस्तान के नेस्कॉम और टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा, तो इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि पाकिस्तान इन UAVs को काफ़ी अच्छे नंबर में ऑपरेट करे। तो इंडिया द्वारा MQ-9 प्रेडेटर बी जो ड्रोन्स हैं वो खरीदे जाएंगे, जो कि कैपेबिलिटी में इन ड्रोन के ऑलमोस्ट दुगने हैं, पर वो खाली 30 के नंबर में लिए जाएंगे। फ्यूचर वॉरफेयर में ऐसे ड्रोन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं। तो इंडिया द्वारा भी जो इंडिजिनस ड्रोन्स हैं वो बनाए जा रहे हैं,
पर पाकिस्तान द्वारा ये जो जॉइंट प्रोडक्शन किया जाएगा ये उन्हें एक अच्छा एडवांटेज देगा। और ये इंडिया के लिए भी एक लेसन है कि इंडिजिनस डेवलपमेंट के साथ साथ जो प्रूवन प्लेटफॉर्म है उनके इंडिया में प्रोडक्शन को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।